ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में एक जबरदस्त मुकाबले के बाद साउथ अफ्रीका को हराने के बाद 8वीं मरतबा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है और अब उसका फाइनल में मुकाबला मेजबान टीम इंडिया से होगा। ये फाइनल मैच कौन सी टीम जीतेगी ये बताने से पहले आपको ऑस्ट्रेलिया के पहले होने वाले 7 फाइनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने उसमें से कितने फाइनल जीते और कितने हारे। 1975 में होने वाले पहले वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम वेस्ट इंडीज से हार गई थी, जबकि 1987 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल जीता। 1996 के वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका से हार गई थी, लेकिन 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त देकर दूसरा वर्ल्ड कप टाइटल जीत लिया। 1999 में पाकिस्तान कराने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में इंडिया को और 2007 में श्रीलंका को फाइनल मैच में हरा कर लगातार 3 वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड कायम किया और मजमूनी तौर पर 4 वर्ल्ड कप जीत लिए। इसके बाद 2015 में होने वाले वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच गई और न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर 5वीं मरतबा वर्ल्ड कप जीत लिया। इस तरह नाज़रीन अब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम मजमूनी तौर पर 7 वर्ल्ड कप के फाइनल खेल चुकी है, जिनमें से उसने 5 जीते हैं और 2 हारे हैं, और अब 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी इंडिया की टीम से खेलने जा रही है। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम का 8वां वर्ल्ड कप फाइनल होगा। 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल कौन सी टीम जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? मेरे ख्याल में नाज़रीन ये मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी आसानी से जीत जाएगी। उसकी कुछ वजूहत हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वर्ल्ड कप के पहले दोनों मैच हारे हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत अच्छा कमबैक किया है और एक दो मैच बहुत टाइट मुकाबले के बाद जीते हैं। इसका फायदा ऑस्ट्रेलिया की टीम के फाइनल मैच में होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अगर अपने 10 के 10 मैच जीते हैं और किसी मैच में भी उसको मुश्किल सूरत हाल का सामना करना नहीं पड़ा। अब अगर फाइनल मैच में इंडिया की टीम मामूली से प्रेशर में भी आ गई तो उसके लिए निकलना मुश्किल होगा और फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया आसानी से जीत जाएगा।